तो देखिए इस टाइम में फुटपाथ में और फुटपाथ बोर्ड चलेंगे क्योंकि आज काफ़ी टूरिस्ट नैनीताल पहुँचेगा। मैं भी इधर खड़ा हुआ हूँ और धूप काफ़ी तेज लग रही है मुझे और देखिए पूरी जमीन। तो इस टाइम मैं DSC कार पार्किंग के अंदर आ गया हूँ। अभी देखा रात का थोड़ा सा दिखाया मैंने तो आजकल हेलो दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नए ब्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आपका अपना जिसान और जो आज का ब्लॉग फिर से नैनीताल के टूरिज्म के उसमें पर्यटक के उसमें, क्योंकि अब जो है मई लग चुका है, मई लगने के बाद जो है सीज़न का दौर चालू हो गया है। तो नैनीताल में मई और जून में काफ़ी सीज़न होता है, काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आते हैं, पहले से ही होटल में रूम बुक कर लेते हैं और जब यहाँ पर क्राउड बढ़ जाता है तो जाम की स्थिति भी पैदा हो जाती है और फिर आपको 9 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है तो फिर वहाँ से आप शटल सेवा से आते हैं। तो मैं ये बताने वाला हूँ, यही गाइड करने वाला हूँ कि नैनीताल किस तरीके से सीजन में पहुँचेंगे, किस तरीके से आपको रूम मिलेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करता आज के ब्लॉग में, मेरा ब्लॉग बने रहेगा, स्किप करके मत देखना, नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी आप छोड़ देंगे। दिन में तो देखिए गर्म है, मैं भी टी शर्ट हूँ, लेकिन शाम को थोड़ा बहुत ठंडा है तो एक जैकेट की आवश्यकता है नैनीताल में। तो कभी भी आप आ रहे हैं तो एक जैकेट जरूर रख के लाइएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस टाइम मैं फुटपाथ में हूँ, फुटपाथ में फुहारे के पास हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से पेड़ों की छाँव और ये जो फुहारा ना ये चलता था लेकिन बट अभी नहीं चल रहा है। जब चलता था रात में तो उसमें रंग बिरंगी जो लाइटें पड़ती थी काफ़ी अच्छा लगता था ये। और इसके तरफ आप देख सकते हैं कि धूप की छाँव आया तो लोग इसके अंदर बैठे हुए हैं और ये फूल आ रहे हैं, देखिए इसको पांगड़ का पेड़ बोलते हैं, इसको पांगड़ आते हैं, फूल आ रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं छाँव में। अगर ये फुहारा रात को चलता तो कितना अच्छा लगता है। कल रात का व्लॉग आपने देखा होगा मेरा, तो मैं अभी फुटपाथ में हूँ, फुटपाथ में देखते हैं आगे किस तरीके किसी की गतिविधि चल रही है। तो यहाँ तो जो है दुकानें 4 बजे से खुलेंगी लेकिन मैं इतना धूप तेज है और धुंध अलग लग रही है। तो देखिए ये फुटपाथ, तो फुटपाथ अभी खाली खाली है पूरा। 4 बजे से यहाँ पे काफ़ी क्राउड हो जाएगा क्योंकि आज वीकेंड का दिन है, शनिवार का दिन है तो काफ़ी भीड़ हो जाती है। तो ये देख रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा चलते हैं इधर की तरफ, मैं दिखाऊँगा आपको लेक्स यहाँ से। तो ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ, पानी का लेवल देखते हैं कि और कितना कम हुआ है। यह है नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक, सब बोट चल रही हैं और शाम तक और बोट चलेंगी क्योंकि आज काफ़ी टूरिस्ट नैनीताल पहुँचेगा। तो इस टाइम में फुटपाथ में और फुटपाथ में दिखा रहा हूँ आपको भीड़ भाड़, तो चलिए चलते हैं लेक की तरफ और लेक में देखते हैं कितनी भीड़ भाड़ है। तो देखिए बिल्कुल में वाइस साहब, पानी का लेवल बहुत कम हो चुका है, धूप बहुत तेज़ है, मछलियाँ देख रहे हैं आप लोग तो यहाँ पे है। और मैं अपने मुलक के माध्यम से बता दूँ आपको कि इन मछलियों को ना ब्रेड डालो ना इनको कोने में पकड़ो, अगर आप लोग पकड़ोगे तो इनका आप लोग अगर चलान कट जाएगा सीधे। तो जैसे ही हैं इनको ऐसे ही रहने दो, ऐसी इनको देखो, ऐसी वीडियो बनाओ, ऐसी इनकी फ़ोटो खींचो, इनको ना पकड़ना है ना ब्रेड खिलानी है। बहुत से लोग आ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, वो लोग इनको पकड़ रहे हैं ब्रेड खिला रहे हैं, तो वो तो गलत है। एक मछली मुझे अलग दिखी थी यहाँ पे, उसका कलर कुछ अलग है, अभी ऊपर को आएगी तो मैं दिखाऊँगा आपको, यहाँ पर दिख रही होगी आपको इधर, तो ये देख सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी लग रही है मछलियाँ ये देखिए, और अभी जो है ना यहीं पर आई हुई हैं ये कोने पर, तो काफ़ी अच्छी लग रही हैं ये। मतलब ऐसा मेरा भी मन है कि मैं इनको हाथ डाल के पकड़ लूँ लेकिन पकड़ना गलत है क्योंकि वो आराम से अपना देखिए घूम, इनको घूमना ही कहेंगे कि घूम रही हैं पानी के अंदर। कितनी प्यारी लग रही है देखिए मछली, अगर मेरा वाटर प्रूफ तो है ये, नहीं तो मैं इसके अंदर डाल देता लेकिन अभी नहीं डालूँगा मैं फ़िलहाल। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये मछलियाँ, और सामने चप्पू वाली बोट्स, और यहाँ देखिए पूरा अभी खाली खाली है ये, और शाम होते होते यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आ जाएगा। और पानी देखिए कितना कम हो चुका है, और सीज़न के लिए देखिए यहाँ पे तैयारी चल रही है, बोर्ड्स बननी है, यहाँ पे पेंट हो रहा है और इसमें कुछ पॉलिश होती है वो लग रही है। तो ये देखिए पानी का लेवल कितना कम हो चुका है, पानी कितना यहाँ तक आ गया है, मतलब डेल्टा देख रहे हैं आप कि ये डेल्टा कि यहाँ तक, और एक टाइम यहाँ था यहाँ भी डेल्टा नज़र आ गया था, तो अभी तो खैर यहाँ पर नहीं आ रहा है लेकिन आप देख सकते हैं इधर सारे पर्यटक आपको नज़र आ रहे हैं बढ़िया तरीके से। मैं भी इधर खड़ा हुआ हूँ और धूप काफ़ी तेज़ लग रही है मुझे और देखिए पूरी ज़मीन डेल्टा नज़र है, और पीछे नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक देख रहे हैं आप लोग, क्या दिख रही है, बोट से चल रही है काफ़ी बढ़िया।
और धूप काफ़ी तेज़ है तो हालत ख़राब हो जा रही है। तो चलिए बैक कैमरे से फिर दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए कुछ ऐसी स्थिति यहाँ पे हो गई है कि यहाँ पे लेक का पानी लबालब हुआ करता था और आज ऐसी स्थिति है कि पानी का लेवल कितना घट चुका है, कितना कम हो गया है। लेकिन जब बरसात आएगी तो फिर हम जो अपने व्लॉग शूट करेंगे वो ऊपर से करेंगे, क्योंकि वहाँ तक जहाँ पे भैया खड़े हैं तो यहाँ तक पानी आ जाता है, पूरा ऊपर तक पानी आ जाता है, पूरा भर जाता है। तो सोचिए पूरा पानी कितना हो। और हमारी जो घर की पानी की आने की टाइमिंग है ना, वो भी अब आधा आधा घंटा हो गई है, क्योंकि पानी का लेवल इतना कम हो गया। देखिए उस तरफ भी डेल्टा बन गया, वहाँ भी कुछ नाव रखी हुई है। तो हालांकि अभी देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो उधर की तरफ चलते हैं, वहाँ से दिखाता हूँ मैं आपको। तो देखिए यह है चिल्ड्रन पार्क, बच्चों का पार्क, लेकिन अभी ये बंद है। हालाँकि ये झूला देखो कैसे चल रहा है, कोई इसमें कुछ है तो नहीं। अब इसको हम ट्रेन कर देते हैं। देखिए झूला खुद ही चल रहा है, दोनों झल रहे हैं। ऐसा क्या हो गया इनमें, कोई बच्चा क्या झूल के गया इस पर? जैसे न्यूज़ वाले नहीं करते हैं, वो एक रात को आता था प्रोग्राम। क्या ये स्थिति हो सकती है, क्या ऐसा हो सकता है? वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पार्क के अंदर कोई भी नहीं है। और ये कैपिटल सिनेमा हॉल है, तो यहाँ पे एक सीज़न में काफ़ी लोग बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर धूप है ना, छाँव है नहीं, तो यहाँ पर बैठ नहीं रहे लोग। तो छाँव आजकल तो पेड़ की कहते हैं ना, पेड़ लगाओ, इसीलिए कहते हैं कि वो आपको ऑक्सीजन भी देंगे और जब गर्मी आएंगी तो वो आपको ठंडी हवा भी देंगी। तो पेड़ ज़रूर लगाएं। और इसी के संग यहाँ पे देख सकते हैं बैंड हाउस की तरफ, यहाँ पे लोग हैं, मछलियाँ दिख रहे हैं लेक में किस तरीके से बोट से चलिए देखिए। और माउंटेन पहाड़, और उधर चल रहा मैच। आप चलते हैं उधर की तरफ और दिखाते हैं उधर से कैसे स्थिति बनी हुई है जाम की, क्योंकि आज काफ़ी भीड़ होने वाली है। इस टाइम मैं जा रहा हूँ भोटिया मार्केट हार्ड रॉक की तरफ, और वहाँ पे देखते हैं कैसी भीड़ भाड़ है और बारात हो रही है वहाँ पे, बैंड बाजा बज रहा है और धूप में चला नहीं जा रहा है, काफ़ी गर्म लग रहा है, हालत ख़राब हो जा रही है। सामने बारात, आजकल तो बारात का काफ़ी दौर है, तो हर जगह बाराती बारात है आजकल। तो ये देख सकते आप लोग, मैं DSC कार पार्किंग के अंदर आ गया हूँ। अभी देखा बारात का थोड़ा सा दिखाया मैंने, तो आजकल तो हमें भी इस बारात में ही जाना है। तो यह है DSC की कार पार्किंग, और वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो जिस तरीके से बनी हुई स्थिति, तो देखिए मैं आ गया हूँ इधर कार पार्किंग। अब यहाँ से चल रहे हैं हम मस्जिद की तरफ। अब पूरा राउंड मार दिया मैंने इधर से लेके उधर तक। और सैनिक के बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं, भारतीय शहीद सैनिक विद्यालय, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं पहुंच गया हूँ मस्जिद के पास, वन वे है ये, तो यहाँ से जाएंगी उधर से आएंगी। और वहाँ पर इतनी तेज़ धूम में चल रहा है क्रिकेट का लोकल टूर्नामेंट, और गाड़ियाँ जो हल्के हल्के आते हुए,
हल्के हल्के जो गाड़ियाँ खसक रही हैं अपना भाई, ग्रुप आया हुआ कोई तो कुछ इस तरीके से लग रहा है जाम। और मैं हूँ मस्जिद के पास, मस्जिद के पास आने के बाद कुछ ऐसे गाड़ियों की कतार मिली है तो ये देख सकते हो आप लोग। कभी कभी भी नैनीताल आ रहे हैं तो बेहिजक नैनीताल आइए, घूमिए। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया। आज का व्लॉग अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिसान अली नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।